कोई बाटल मुंह में लगाकर पी रहा था और कोई गिलास लड़ाकर, सिगरेट के कस भी ले रहे थे लोग, और इतना तेज शोर शराबा हो रहा था जिसका कहना ही क्या लग रहा था कि अब जिस तरह से आजादी का जश्न लोग मना रहे थे आजाद होने पर देश को, उसी तरह से लोग नए साल की खुशियां मना रहे थे। देख करके बड़ी पीड़ा हुई। मैं राजस्थान में हूँ, 31 दिसंबर भी देखा हमने और 1 जनवरी भी देखा राजस्थान में। कमोबेश यही हालत उत्तर प्रदेश की है। बिहार में शराबबंदी है, उसके बाद भी वहाँ दारू चल रहा है, नशा से लोग वंचित नहीं है, चोरी छुपे ऐसा हो रहा है, बना भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से तस्करी भी होती है शराब की। दोस्तों, मैं आज के दिन यह कहना चाहूँगा कि समय लौट करके फिर नहीं आएगा। मैंने भी जीवन में बहुत गलतियाँ किया है, उस गलतियों से सीख लिया, समय बहुत बीत गया, बीता हुआ समय तो आएगा नहीं और कल कभी नहीं आता। इसलिए मैं उन युवाओं से विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि वह अभी से लग जाए। सरकार आपका पेट नहीं भरेगी और सरकार आपको सरकारी नौकरी भी नहीं देगी। अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, जान दे देंगे। कई बच्चे मुखर्जी नगर में जान दे करके मर गए, यही हाल प्रयागराज में भी हुआ, अन्य स्थानों पर हुआ, कोटा से भी ऐसी खबरें कई बार आई। हताश और निराश होकर के मौत को गले लगा लिया। माँ बाप ने कितनी तमन्ना और तपस्या करके अपना पेट काट करके बच्चों को पढ़ाया और बड़ी इच्छा रही होगी कि आगे मुकाम हासिल करेगा। नहीं मिली सरकारी नौकरी तो हम जान देंगे। बहुत रास्ते हैं दोस्तों जीवन जीने का, और केवल कोसना सरकार को यह यथेष्ट नहीं है। आइए संकल्प लेते हैं, समयबद्ध अपना काम पूरा करें। कुछ बात मैं बताने जा रहा हूं जिसे, एक तो डायरी लिखना शुरू कर देना है नए साल से। अगर डायरी आपके पास नहीं है तो किसी कापी पर ही डेट डाल करके डायरी लिखें। डायरी में आपने क्या किया, करना क्या है और कौन सी सीख लिया है आपने, कौन सा संकल्प आज ले रहे हैं, इस तरह से उसे पूरा करना है। सभी से कुछ न कुछ सीखने लायक है। हर व्यक्ति आपको कुछ न कुछ सिखा सकता है। चाय वाला भी आपको सिखा देगा, ठेला वाला आपको सिखा देगा, रिक्शा वाला आपको सिखा देगा। सबके पास कुछ न कुछ ऐसा है जो आपको सिखाएगा। मैं लखनऊ में था और भोर में हमारी ट्रेन पहुंची थी, सिस्टर के यहाँ जाना था, तो एक ऑटो पर हम बैठे। ऑटो वाला शुरू किया गीता के 10वें अध्याय को शुरू किया और मुझे लगा कि एक 2-4 लाइन पढ़ करके चुप हो जाएंगे। फिर उन्होंने 10वां पूरा अध्याय उन्होंने हिंदी में, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, नदियों में गंगा हूँ, ऐसे श्लोक बोल करके, मुझे तो नहीं याद है, लपेट लपेट करके काम चलाता हूँ। सच यही है, बताने में कोई गुरेज नहीं है। पारदर्शी जीवन रखा गया है, लेकिन उस बंदे ने पूरा गीता, और मैं वहाँ तक गया था चारबाग रेलवे स्टेशन से हनीमैन चौराहे तक जाना हुआ और दसवां अध्याय उन्होंने पूरा कर दिया। अभी एक बच्चे का आया था बौधा में भी, प्रतिक्रियावादी होकर के ऐसा लिख देता हूं, सर दरोगा भर्ती पर आप वीडियो क्यों नहीं बनाते। सजातीय थे, सजातीय लोगों पर, मतलब विशेष रूप से ऐसे लोगों पर नशा चढ़ा हुआ है। एक बार मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री जी का जब दूसरी पारी जब खेलने जा रहे थे, मैं पवित्र मन से गया था इंटरव्यू लेने, मतलब देखने, कुछ लोगों से बातचीत करने, जुलूस निकल रहा था। तो हमने कहा, पूछा रोजगार के बारे में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पढ़े लिखे बच्चे जो PhD कर रहे हैं, जो मास्टर डिग्री लिए हैं, हमने कहा रोजगार के बारे में बताइए, नौकरियों के बारे में। कह रहे इसकी बात छोड़िए सर, आप क्या बात कर रहे हैं, नौकरी और रोजगार और इसकी, यह देश का सवाल है, यह हिंदुत्व का सवाल है, राष्ट्रीयता का सवाल है। उसी दिन मैंने जान लिया कि नशा ऐसा चढ़ा हुआ है, नशा इन्हीं का नहीं चढ़ा है, नशा अन्य लोगों का भी चढ़ा हुआ है। बेटा, जब तक यह नशा नहीं उतरेगा ना, तब तक तुम्हारा कल्याण तो नहीं होगा, क्योंकि सही बात न सुन पाओगे, न सही बात बचा पाओगे और न ही सत्य का अनुसरण करोगे। सत्य का उवाच भी नहीं होगा, सत्य का प्रकटीकरण नहीं होगा और सत्य की स्वीकारता भी नहीं होगी, फिर तो लक्ष्य भी दूर होगा। मैंने उनसे लिखा, कहा भैया आप तो
करोड़ों चौकीदार की भर्ती आ रही है, मैं भी चौकीदार हूं, तो चौकीदार बन जाना, यही है, ऐसे कैसे चलेगा। कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता। जब मैंने उठाया था, लिया था माइक लिया था, तो लोगों ने बहुत टिप्पणियां किया, कहा कि बताइए यही इनका भविष्य है, आज यह मिनिस्टर होते, आज यह कहा। आज तो देखिए यह सब बन गया है। जब मैं शुरू किया था तो मेरे पास कुछ नहीं था, ऐसे ही शुरू किया था। अगर मैं शर्मिंदगी महसूस करता कि लोग क्या कह रहे हैं, तो आज यह मुकाम नहीं होता जिस मुकाम पर हूं। ठीक है, एक संतोषजनक जनक मुकाम है, और इस मुकाम पर चयन भी नहीं करना, यह मान नहीं लेना है कि यह मेरा अंतिम मुकाम, और यह एक पड़ाव है छोटा सा, आगे बढ़ते जाना है। कितना बढ़ेंगे, जितना मेहनत करेंगे उतना आप आगे जाएंगे। भाग्य और कर्म दो चीजें होती हैं, कभी भाग्य बड़ा हो जाता है, कभी कर्म बड़ा हो जाता है, दोनों में युद्ध होते होते हैं। लेकिन भाग्य एक अवसर है, भाग्य कदाचित आ जाएगा, लेकिन कर्म वाला तो बलवान होगा। तो इस तरह से हम कर्म योगी हैं। देखिए कभी यह सब नहीं है, एक रक्षा कभी किसी ने बांध दिया, कभी ऐसे लगा तो फिर एक भी नहीं है, कुछ नहीं है। जनेऊ पहनता हूँ, जनेऊ का भी एक वैज्ञानिक आधार है, उसको मानते हुए पहनता हूँ। ऐसा नहीं है कि धर्म के बारे में विरोध करना है, धर्म और विज्ञान बहुत जगह दोनों का मेल मिलाप होते हुए देखा गया है, अगर देखा जाएगा तो। छोटा बड़ा नहीं होता, और अपनी मार्केटिंग अपने करना है। बहुत से प्रोडक्ट तैयार होते हैं, देखिए मैं भी आपको दिखाता हूँ प्रोडक्ट लोग तैयार किए हैं। चलिए मैं बता दूंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आज स्वास्थ्य लाभ ले रहा हूँ, और मैं हूँ इस समय बाड़मेर में। तो यह है, जश्न मनाते हुए देख करके काफी तकलीफ हुई, तो मैं युवाओं से कहना चाहूंगा जो जहाँ है भैया वहीं से शुरू कर दे, और डायरी लिखना शुरू कर दे, रोज का रोज पढ़ना लिखना शुरू कर दे, अपनी मार्केटिंग अपने। अब इस परिप्रेक्ष्य में मैं तुलसीदास जी को उद्धृत करना चाहूंगा। तुलसीदास जी ने जब मानस लिखना शुरू किया, कई अध्याय कई स्थानों पर लिखे, चित्रकूट से लेकर के और अयोध्या काशी तक, तो काशी के ब्राह्मणों ने तुलसीदास जी को बहुत परेशान किया, कहा कि यहाँ तो संस्कृत चलता है यार, हिंदी वाला कहाँ से आ गया, यह ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। जैसे मुझे भी लोग कहते हैं ब्राह्मण के नाम पर कलंक हो, पता नहीं क्या क्या, इसको जो कहना होगा वह कहेगा, लेकिन मुझे तो करना है, और मुझे जो ठीक लग रहा है वह मैं करूंगा, चाहे जो भी मना करे, परिस्थितियां जो भी आए। तो दोस्तों तुलसीदास जी ने मार्केटिंग किया, लिखा, फिर वहां अखाड़ा बनाया, अखाड़ा बना करके दंड बैठक करना शुरू किया। कभी आप वाराणसी में तुलसी घाट पर जाएंगे तो वहां अखाड़ा है। तो दोस्तों क्या हुआ कि उन्होंने बैलगाड़ी पर रख करके और वाचन शुरू किया, मतलब उसका मानस का दोहा और चौपाई गा गा करके लोग शुरू किए। आज देखिए मानस का किस तरह से पाठ होता है। तो अपनी मार्केटिंग अपने शुरू कर देना है भैया, कोई फरिश्ता आपको बचाने के लिए, आपको उपदेश देने के लिए नहीं आएगा, आपको अपना काम अपने करना है। आज के दिन इतना ही, नए वर्ष की संपूर्ण मंगल कामना वैश्विक रूप से जुड़े हुए पूरे विश्व के लोगों को देता हूँ। विनम्रता के साथ आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्केट डे से।